ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, हिंदी में इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। यदि अगर मैं नॉर्मली बात करूं डायरेक्शन की, तो नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जोन होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक घर के या फिर किसी इंडिविजुअल या फिर किसी भी कैंपस के वास्तु में। यदि आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ठीक है तो अराउंड बहुत चीजें बैलेंस रहेगी, और यदि आपका पूरा डायरेक्शन बैलेंस है बट नॉर्थ ईस्ट ही खराब है तो प्रॉब्लम आनी आनी, वो डिजास्टर्स धीरे धीरे लाइफ हो गई होगा। क्यों होगा ये मैं इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा, और इसमें बताया जाएगा कि भैया नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी होने में क्या क्या हो सकता है, और उससे भी ज्यादा ये बताया जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का क्या और कितना इंपॉर्टेंस है, ताकि आपको भी वैल्यू पता चले और यदि आपके घर में इधर उधर चीजें हैं तो आप उसे सही कर सको या फिर उसके वैल्यू को जान सको। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, पता है। कई लोग बोलते हैं भैया नॉर्थ ईस्ट सिर्फ मंदिर का जोन है, सिर्फ भगवान की दिशा है। भैया भगवान की कोई दिशा नहीं होती, पूरा दिशा ना भगवान का ही है। तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ऐसे नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट ही बस भगवान की दिशा है या क्या है। तो इस वीडियो में बेसिकली बहुत सारे मिथ को भी बस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला आता है नॉर्थ ईस्ट क्या है। नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ माइंड, लिटरली एंड रियली नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ माइंड। क्यों? यदि बात कर लेते हैं वास्तु की, तो जो नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है वो वास्तु पुरुष मंडल का ब्रेन का हिस्सा रहता है। अब वास्तु पुरुष मंडल क्या होता है बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, और कोई इसमें वो वाली बात भी नहीं है, जब मैं इस फील्ड में नहीं था मुझे भी नहीं मालूम था। नो इशू, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा क्रक्स में समझिए कि जो वास्तु पुरुष मंडल होता है, अगर मैं ये समझा दूं, जैसे कंपस है नॉर्थ ईस्ट है, तो अराउंड ये वास्तु पुरुष मंडल का सर होता है, ये उनकी बॉडी होती है, ये उनके हाथ होते हैं, और ये वास्तु पुरुष मंडल के पैर होते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं एनी को, तो एनी हेड का, सर का हिस्सा, जैसा आपका वास्तु पुरुष मंडल होगा वैसे उस घर के लोगों के एट्रीब्यूट्स होंगे। तो वास्तु पे जोन ऑफ माइंड कहा गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और यदि आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही खराब रहेगा या फिर वहां पर कोई गड़बड़ी होगी तो भैया ब्रेन में तो प्रॉब्लम, मतलब वहां पर क्यों कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट। पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट खाली, लोग बोलते हैं ये रख दो वो, मैं हमेशा बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट कुछ कोशिश करिए जितना खाली हो सके उतना खाली रखे। मेरे इवन ऑफिस में मेरा नॉर्थ ईस्ट पूरा, अगर आप लोग देखे होंगे कई वीडियो में, मतलब बेसिक ज्यादातर वीडियो में मेरी आवाज गूंजती है। आपको पता है मेरा जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जस्ट मेरे राइट हैंड साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली है, कुछ रखा ही नहीं है मैंने उस पर। वो भी नॉर्थ ईस्ट को खाली ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया आप इमेजिन करिए कि किसी इंसान के सर के ऊपर आप बोझ ला के रख दे रहे हो, ब्रेन कहाँ काम करेगा और कब तक काम करेगा? तो क्यों नहीं रखना चाहिए वो मैंने कहा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ माइंड। सेकेंड पे आते हैं जोन ऑफ क्लैरिटी। नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ क्लैरिटी। अगर वास्तु पुरुष मंडल की बात कर ले, तो एज आई टोल्ड यू वो वास्तु पुरुष मंडल का ब्रेन है, एंड हमें लाइफ में क्लैरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ब्रेन से ही मिलती है। किसी भी चीज़ में क्लैरिटी कह ले, विजनरी क्लैरिटी की बात कर ले, और अगर हम बात कर ले विजुअलाइजिंग क्लैरिटी की, भैया एग्जाम्पल आप सोचिए किसी रोड में जा रहे हो, आपको चीज़ें सामने क्लियर दिखनी जरूरी है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एक तो आप आँख से रहे हो बट आपका आँख मैसेज दे रहा है ब्रेन को, वहां से आपके बॉडी को एक्टिविटी करने के लिए मैसेज मिल रहा है। ये तो फिजिबल चीजों की बात हो गई। अगर दूसरी तरफ से बात कर लो कि जो क्लियर, जिनका एम या गोल क्लियर रहता है वो लाइफ में बड़े सक्सेसफुल होते हैं, उनका ये बहुत ज्यादा क्लियर रहता है चीजों का। और मैं तो ये कहता हूं भैया लाइफ में किसी भी इंसान की कोई चीज रहे ना रहे ना, उन्हें अपनी क्लैरिटी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्या चीज करना है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं अपनी बात कर लूँ, मुझे एक दिन दूसरे दिन का शेड्यूल मैं एक दिन रात में पहले ही बना लेता हूँ, लिख के रख लेता हूँ मैं कि क्या क्या करना है दूसरे दिन। काम ज़्यादा हो जाता, हो सकता है स्किप हो जाए कोई चीज़ें, बट इट्स ओके, बट मुझे क्लियर रहता है सुबह उठते सब, मेरे को क्लियर रहता है आज मैंने ये काम करना है। जब आपका विजन क्लियर रह गया, जब आपका गोल क्लियर रहेगा, तब आप ईजिली आगे बढ़ सकते। तो क्लियर तब रहोगे जब आपके घर का नॉर्थ ईस्ट सही रहेगा। तो आपको इम्पोर्टेंस तो समझ आ रहा है कि यदि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट ही खराब है, आपके घर में सब कंफ्यूज घूमेंगे, सब कोई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस आप हो जाओगे, बच्चे बूढ़े सबको कंफ्यूज रहेंगे, बूढ़ों से पूछोगे क्या करना है, कर रहे हैं कुछ तो, कट रही है जिंदगी, नॉर्थ ईस्ट खराब है। बच्चे से पूछोगे क्या बनना है, कभी बोलेंगे डॉक्टर, कभी बोलेंगे इंजीनियर, कभी बोलेंगे हीरो बनना है, कभी बोलेंगे कुछ बनना है, क्लियर रहेंगे ही नहीं। जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, जिनका लाइफ ऑलरेडी करियर सेट होने का टाइम आ गया, उनसे पूछोगे क्या करना है, कर तो रहे, देखेंगे आगे क्या होता है, ये रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है। नॉर्थ ईस्ट को सही करना है। नेक्स्ट जोन ऑफ मेडिटेशन। एक्चुअली जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, मंदिर वाले टॉपिक पे मैं आता हूँ। मंदिर क्यों होना चाहिए? जो लोग कह गए कि वहां पर मंदिर होना चाहिए, मंदिर इसलिए होना चाहिए, लोग कह गए क्योंकि भैया मंदिर में हमारा पूजा करते टाइम एकाग्रता मन की बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में मन की एकाग्रता बहुत होती है, वहां पर आप मेडिटेशन कर सकते हो।
और वन ऑफ द बेस्ट जोन है मेडिटेशन के लिए, वो लोग जो नए बिगनर्स होते हैं ना, जो कहते हैं कि मेडिटेशन में, मेरे को बहुत मेरे क्लाइंट कहते हैं सर मेडिटेशन करना चाहते बट कर नहीं पाते, नॉर्थ ईस्ट पे बैठ के जितने भी नहीं कर पाते वाले हैं ना, नॉर्थ ईस्ट पे बैठ के ट्राई करिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि एक हो जाएगा एक दिन में, बट हाँ एज कम्पेयर टू बाकी जोन नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि वो है ही कामनेस की जोन, कामनेस की जोन नहीं कहेंगे बट वो मेडिटेशन की जोन है। प्रॉपरली अगर कह ले टेक्निकली और वास्तु के हिसाब से तो वो विजडम की जोन है। मेडिटेशन में क्या होता है, मन, मन से आपका बॉडी संभलता है, तो मन संभलेगा तब तो होगा, तो मन संभालना है तो नॉर्थ ईस्ट पे बैठ कर मेडिटेशन करो। जिनको भी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी वाले पहले स्लाइड पे बताया था ना, जिनका कुछ क्लियर व्यर नहीं है, कुछ क्लैरिटी वेरिटी नहीं है, वो तो अपनी फोटो नॉर्थ ईस्ट पे लगा दो, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे बैठना चालू कर दो, टाइम स्पेंड चालू कर दो, दोनों चीज़ को जोड़ दो, वहाँ पर बैठना चालू कर दो, ईजी टेक्निक, वहाँ पर बैठ कर मेडिटेट करना चालू कर दो। विद इन 21 to 51 days आपको लाइफ में ये पता चल जाएगा कि क्या करना है आपको लाइफ, यदि आप प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो उसे रूटीन में। तो नेक्स्ट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन ऑफ विजडम, एज आई टोल्ड यू, उसके पहले ही कहा था कि अगर टेक्निकली वास्तु के हिसाब से बात किया जाए तो वो विजडम की जोन है। जिसका नॉर्थ ईस्ट सही रहता है उससे हर चीज़ पता रहता है, वो सही टाइम में सही डिसीजन ले सकता है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, क्या काम कैसे करना है, ये काम कैसे किया जाए तो आगे जाके सही होगा, या कैसे ना किया जाए तो भैया इसमें दिक्कत आ सकती है, वो बड़ा क्लियर रहता है, विजडम की जोन है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा रहता है जिनका नॉर्थ ईस्ट सेट रहता है, और जो वो होते हैं ना जो डिसीजन, मतलब एक छोटे छोटे चीज़ के लिए भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सुबह उठ के कपड़ा कौन सा कलर का पहनो, डिसीजन नहीं ले पाते, पता ही नहीं रहता उन्हें, नॉर्थ ईस्ट खराब रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर जीरो, और फिर बोलेंगे कि भगवान हमारी किस्मत के साथ खेल रहा है, हमारी किस्मत ही खराब है। अरे भैया तुम कपड़े क्या पहनने डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, गोल को क्या डिसाइड करोगे, भगवान की क्या गलती है। तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट को बेस्ट कर लो, सेट कर लो, डिसीजन मेकिंग पावर ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट जोन ऑफ टेंपल, अब ये इस स्लाइड को एक्चुअली मैंने समझा चुका है, जोन ऑफ टेंपल ठीक है, एक्चुअली वो आइडियल दिशा नहीं होती है टेंपल के लिए, मैं क्लियर बोल दूं, भगवान की कोई ऐसी दिशा नहीं होती, भगवान के लिए सारी दिशाएं अच्छी है, कुछ को छोड़ के एक को। और बात कर ले प्रॉपरली नॉर्थ ईस्ट की, तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने समझाया कि नॉर्थ ईस्ट पे टेंपल क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि भैया वहां पर बैठ के ध्यान अच्छे से लगता है, प्रे आप अच्छे से कर पाते हो, इंटेंट बहुत अच्छी रहती है वहां बैठ के, तो नॉर्थ ईस्ट पे डेफिनेटली आप टेंपल रख सकते हो, नो इशू ऑन दैट। तो इस वीडियो पे बेसिकली ये था कि नॉर्थ ईस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और नॉर्थ ईस्ट सेट रहना या सही रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे प्रॉब्लम आएगी तो लाइफ में 101% दिक्कत आनी आनी है। होप सो ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट होगा, या फिर अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक शेयर करिए, या फिर कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, ताकि हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए जिसमें हम ये बताएंगे कि भैया अगर कुछ चीज़ गलत है तो नॉर्थ ईस्ट को सेट कैसे किया जाए। तो इस वीडियो पे इतना ही, जय हिंद जय भारत।